टिमिट कॉलेज में विवेकानंद जयंती पर युवा सम्मेलन हुआ आयोजित। युवा सम्मेलन को स्वामी विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की मुरादाबाद शाखा के तत्वावधान में विवेकानंद जी की जयंती युवा दिवस पर विवेकानंद युवा सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर अतिथियों द्वारा माल्यार्पण किया गया। मुख्य अतिथि जिलाधिकारी महोदय राकेश कुमार सिंह ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे 10 प्रतिभाशाली युवक युवतियों को सम्मानित किया। जिलाधिकारी महोदय ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद के वाक्य उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो से प्रेरणा लें और आगे बढ़ें और राष्ट्रीय निर्माण में सहयोग करें। युवा यह ना सोचे कि राष्ट्र ने उन्हें क्या दिया बल्कि इस बात पर अपने प्रयास केंद्रित करें कि हम राष्ट्र को क्या दे सकते हैं। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि TMU के कुलपति प्रोफेसर रघुवीर सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि स्वामी जी का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि सभी उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हो जाते थे। उनका कहना था कि कोई आपको सिखा नहीं सकता, आप सिर्फ सीख सकते हैं, इसलिए सतत सीखने की इच्छा उन्नति का मार्ग है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्यक्रम में शिल्पी सैनी समाज सेविका विपिन सैनी पर्वतारोही अभिनव सिंह खेल गौरव सैनी मेधावी छात्र अभिनव भटनागर रक्तदान के क्षेत्र में दीक्षांत चौधरी सिविल डिफेंस अंजलिका सोलंकी NCC व्योम त्रिपाठी धर्म सुनील यादव पर्यावरण कशिश चौहान योग को विवेकानंद युवा सम्मान से सम्मानित किया गया। आज विवेकानंद केंद्र के द्वारा विवेकानंद जयंती पर एक युवाओं के लिए कार्यक्रम कराया गया जिसमें ये बताना चाह रहे थे कि किस तरीके से युवा देश की प्रगति में हिस्सेदारी ले सकते हैं। विवेकानंद के जो भी जीवनी है उसके बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया। इसमें जिलाधिकारी महोदय ने मुख्य अतिथि थे, साथ ही हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति श्री रघुवीर सिंह जी इसकी विशिष्ट अतिथि थे, साथ और हमारे जो प्रोफेसर डॉक्टर श्री विशेष गुप्ता जी भी हमारे विशिष्ट अतिथि थे, जिन्होंने युवाओं को ये समझाने का प्रयास किया कि किस तरीके से वे अपनी एनर्जी का फ़ायदा उठाएं और देश की प्रगति में और साथ साथ समाज की प्रगति में और अपने परिवार की प्रगति में इसको लगाने का प्रयास करें। यही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत बड़ा युवा सम्मेलन आज संसद के परिसर में किया है, उसी को प्रेरणा मानते हुए हमने भी ये कार्यक्रम हमारे कॉलेज के प्रांगण में कराया है। मैं हमारे कुलाधिपति श्री सुरेश जैन साहब का और गुरु वाइस चेयरमैन श्री मणि जैन साहब का धन्यवाद देता हूँ कि वे समय समय पर हमें इस तरीके के कार्यक्रम बनाने के लिए प्रेरणा देते रहते हैं। धन्यवाद।